देश में स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई जैव ईंधन नीति तैयार करने जा रही है। आज दुनिया भर में बायोफ्यूल डे मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के लिए एक नई जैव ईंधन नीति लाएंगे, जिससे इस क्षेत्र को नया प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही नई नीति से इस क्षेत्र में होने वाले निवेश पर रिटर्न का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आने वाले 2 वर्षों में जैव ईंधन के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में 1,00,000 करोड़ रुपए और जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। देश के सूखा प्रभावित इलाके जैसे विदर्भ, बुंदेलखंड, झारखंड, बिहार और ओडिशा में नए उगाए जाने वाले फसलों का उपयोग जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।